और आज की एक और बड़ी खबर, रोहतक में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। पीड़ित नाबालिग छात्रा के रिश्तेदार मीडिया के सामने आए। परिवार वालों ने पीड़ित बेटी के लिए इंसाफ मांगा है और बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि चलती कार के अंदर गैंगरेप किया गया, ये भी आरोप लगे हैं। चलती कार में भी गैंगरेप की बात निकलकर सामने आ रही है। अस्पताल में लड़की दाखिल है, उसका इलाज चल रहा है। छात्रा की हालत गंभीर है, 15 साल की बताई जा रही है लड़की। गृह मंत्री अनिल विज से परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। गैंगरेप में होटल संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस को सूचित करने के बजाय लड़की को लावारिश क्यों छोड़ा गया? 3 लड़कों के ऊपर आरोप थे, 1 लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। हमारी उस गुड़िया ने बताया कि मैं स्कूल में जाने लग रही थी, गाड़ी आई, गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में डाला। जो हर लड़का जो भी उस गाड़ी के अंदर अब तक जैसे आइडेंटिटी हुई है, हर लड़का 25 साल की उम्र से ऊपर का है। एक लड़का जिसकी गाड़ी थी वो 30 से 32 साल का है। और रही बात है, फिर उसको वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आके गाड़ी में उसके साथ है, हर किसी ने बदल बदल के सबने गलत काम गाड़ी में किया है। उसके बाद वो गाड़ी वाले उसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ आने के बाद उसको ऊपर होटल के 3rd फ्लोर पे लेके गए। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब एक और बात आई है निकलकर कि गाड़ी के अंदर भी रेप किया गया, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से चीजें निकल रही हैं सामने, पुलिस का क्या वर्जन है इस पर? जी बिल्कुल नासिर, देखिए इसमें एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो विक्टिम है, जो रेप पीड़िता जो छात्रा है 10वीं कक्षा की, उसके रिश्तेदार आज मीडिया मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ी बात है कि ये निकलकर भी सामने आई है कि उनका जो कहना है, उनका जो आरोप है कि जब उनकी बच्ची का अपहरण किया गया और उसके अपहरण करके जब तक होटल तक लाया गया, उससे पहले भी गाड़ी में, चलती गाड़ी में उसका रेप हुआ है, ऐसा उन लोगों का आरोप है। ये बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब बात पुलिस से की थी तो पुलिस ने ऐसी किसी भी कोई घटना का जिक्र नहीं किया था कि चलती गाड़ी में कोई रेप जैसी बात है, सिर्फ होटल की बात जरूर पुलिस ने स्वीकार की थी। ऐसा में ये परिजनों का ये कहना ये बड़े सवाल खड़े करता है पुलिस की भूमिका पर भी। दूसरी बात अगर की जाए तो परिवार वालों ने होटल की भूमिका, होटल के स्टाफ की भूमिका पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं और खबरें अभी तक ने भी, सबसे पहले जब ये खबर ब्रेक की तो हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल उठाए थे कि आखिरकार एक 15 वर्षीय 14 वर्षीय बच्ची को होटल में एंट्री कैसे दे दी जाती है, 3 लड़के उसको लेकर आते हैं बगैर किसी जांच पड़ताल के, स्कूल की यूनिफॉर्म में वो बच्ची है, आप उसको कैसे एंट्री दे सकते हैं? कहीं ना कहीं होटल की भूमिका इस मामले में, होटल का जो स्टाफ है, बेहद संदिग्ध है। तो परिवार के जो उनके लोग जो रिलेटिव आए हैं उनका भी ये कहना है कि पुलिस क्यों रहमदिली दिखा रही है होटल के स्टाफ पर, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस मामले में और सख्त रवैया अख्तियार करने की आवश्यकता है। नासिर, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे।